सुप्रभात बच्चों, ये आपकी हिंदी की कक्षा है और आज हम आपके हिंदी की कक्षा में आपके पीटे फोर में आने वाले मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनका हम इनको करेंगे और बुक से भी हम करेंगे और साथ में कॉपी में भी करेंगे, इसको नोट डाउन भी करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, आपका जो मुहावरा है वो पाठ 11 है, पाठ 11 और आपका जो मुहावरा है वो आएगा, आपको करना है कान में तेल डालना से लेकर के नाक में दम करना। तो कान में तेल डालना यानी हम कहते हैं कि कुछ सुन, जब हम किसी को बोल रहे होते हैं तो कुछ ना सुनना, यानी किसी की बात सुन भी रहे हैं तो अनसुनी करना। तो होता है ना, कान में तेल डाल करके बैठे हो, क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो इसका आप वाक्य अपनी तरफ से भी कुछ भी बना सकते हो और आपका बुक के अंदर जो है वो शिक्षक तो कहते रहते हैं पर समीर के मैं कहते कहते थक गया कि पढ़ लो, पर वे कान में तेल डाले बैठे हैं, ठीक है। या दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं कि माता जी राम को आवाज लगा रही थी लेकिन उसके उसने ऐसा लग रहा था जैसे उसके कान में तेल डाल रखा हो, यानी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देना, कान पर जू ना रेंगना, यानी ध्यान नहीं देना किसी भी चीज के। शिक्षक तो कहते रहते हैं पर समीर के कान पर जू नहीं रेंगती। या हम ये कह सकते हैं कि किसी का बच्चे का नाम लेकर के किसी का भी, कि श्याम को उसके माता पिता झूठ बोलने के लिए तो मना करते हैं लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगती। या श्याम के माता पिता उसे हमेशा पढ़ने के लिए बोलते हैं लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगती। नाक में दम करना यानी किसी को परेशान करके रख देना, उसे बोलते हैं नाक में दम करना। हर्ष ने अपने मम्मी की नाक में दम कर रखा है। तो इसी तरह से आपको जो परेशान करना से संबंधित कोई एक वाक्य बनाओ, फिर उसकी जगह पर उसमें नाक में दम करना, उस जहाँ पे आप लगाना चाहते कि परेशान करना, वहाँ पे नाक में दम करना मुहावरे को यूज कर लो, तो ये आपका एक वाक्य बन जाएगा। दूसरा है पाठ 12, सामान्य अशुद्धियाँ। सामान्य अशुद्धियाँ यानी बोलचाल की भाषा में हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं और गलत उच्चारण करने की वजह से हम उसको गलत ही लिख भी देते हैं। तो सामान्य अशुद्धियों के अंतर्गत हम उसको शुद्ध रूप में लिखना सीखते हैं। तो ये सामान्य अशुद्धियाँ जो है स्थान से कंकड़ तक आएंगी आपकी। तो स्थान जो है, स्थान को कई बार क्या होता है कि अस्थान बोलते हैं, तो अस्थान बोलेंगे तो उसमें भी क्या है कि आ शब्द का प्रयोग कर दिया तो जब हम लिखेंगे तो भी आ लिख देंगे उसके साथ, जबकि ऐसा नहीं है, आधा स खामिया की मात्रा ना अस्थान आएगा। इसी तरह से अरमूद बोलते हैं, अमरूद को अरमूद बोलेंगे और अरमूद गलत ही लिखा जाएगा, तो सही उच्चारण क्या होता है उसका, अमरूद। अहल्या, अब नाम तो अहिल्या होता है लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो बोलते अहल्या, अहल्या बोला तो अहल्या लिखा भी जाएगा, तो सही उच्चारण क्या है, अहिल्या। ऐसे कंकन है, कंकड़ को कंकन बोलेंगे और कंकन ही लिखते रहेंगे, तो कंकड़ होता है यानी ना की जगह पर अड़ा का उपयोग होगा। आगे आपका पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को इसमें एक शब्द होते हैं और उसी से संबंधित और भी शब्द होते हैं। तो ये आपका आ रहा है इंद्र से पेड़ तक। तो इंद्र हम जो बारिश के देव हैं उनको बोलते हैं, तो इनके बहुत सारे नाम हैं, सुरपति, महेंद्र, देवराज, यानी देवों के राजा हैं ये, तो इनको देवराज भी कहा जाता है। आगे है आपका कपड़ा,
कपड़ा यानी जो पहनते हैं कपड़ा उसका, तो वस्त्र हो गया पट, वसन, अंबर, चीर, ये कपड़े के कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। माता, माता, माँ, अम्बा, जननी, ये माँ के पर्यायवाची है। आगे है पेड़। पेड़ जो है उसको वृक्ष कहेंगे, तरु कहेंगे, विटप कहेंगे, ठीक है। वृक्ष, तरु, विटप पेड़ के पर्यायवाची शब्द है। फिर हमारा आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी किसी भी चीज का विलोम, ठीक है। विलोम यानी उसको हम विपरीत शब्द भी बोल सकते हैं कि उसका विपरीत उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा विलोम शब्द आय से धनी तक। आय से धनी तक, तो आय मीन्स होता है आमदनी, आय मीन्स होता है आमदनी। और हाँ, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जब आय है आमदनी हो रही है तो उसका अपोजिट हो जाएगा व्यय यानी खर्च करना। अंत, अंत यानी खत्म हो गया कोई भी चीज, मतलब कि उसका लास्ट हो गया। और आदि, आदि मीन्स शुरुआत। आयात, आयात मीन्स होता है जैसे कि कहीं से किसी चीज की जरूरत होती है तो हम बाहर से कोई चीज मंगाते हैं उसको हम आयात कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई चीज आवश्यकता से अधिक है तो हम उसको जब बाहर भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं, ठीक है। तो आयात का जो विलोम हो जाएगा वो निर्यात हो जाएगा। आजादी, आजादी का अर्थ होता है आजाद होना, यानी किसी की किसी के गुलाम नहीं होना, वही उसी का अर्थ होता है आजाद यानी स्वतंत्र। और आजादी का ही दूसरा विपरीत शब्द हो जाएगा, यानी हम किसी के गुलाम नहीं है, अगर गुलाम होंगे तो गुलामी, यानी आजादी का विपरीत शब्द हो जाएगा गुलामी। आगे है जीवित। जीवित का विपरीत क्या हो जाएगा, मृत। धनी, धनी यानी बहुत पैसे हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होंगे निर्धन। नगर, नगर यानी शहर, यानी शहर गांव का थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप, यानी सुविधाएं वहां पे ज्यादा होती हैं गांव से, तो उसे हम नगर कहते हैं। और जहाँ पर खेत बहुत सारे होते हैं, रहन सहन ग्रामीण तरीके का होता है, उसे हम गांव कहते हैं, यानी नगर का विपरीत हो जाएगा गांव। आगे आता है आपका, हाँ हमारा धनी तक ही है, ठीक है। तो आय से लेकर के धनी तक आपका आएगा। आगे है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी हम बोलने में ज्यादा एक वाक्य होता है, अगर अनेक शब्द है तो एक ही शब्द में हम बोलते हैं तो वो एक वाक्य जो होता है वो समझ में जल्दी से आ जाता है। तो ये आपका आएगा जिज्ञासा से लेकर के अंडस तक। तो जैसे जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासा। जो भू को धारण करता है, भूधर, भू को धारण करने वाला भूधर कहलाता है। जल में जन्म लेने वाला, जिसका जल के अंदर जन्म होता है, आपने देखा होगा कि पानी के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो उसमें वो उनका जन्म ही पानी के अंदर होता है, तो उसको बोलेंगे जलज। अंडे से जन्म लेने वाला, जिनका जन्म अंडे से होता है, बहुत सारे पक्षी होते हैं, वो रेप्टाइल्स वगैरह, उनका अंडे से जन्म होता है। पहले अंडा होता है, फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद में जब वो हैच होकर हो जाता है तो उसमें से उसी जिसका अंडा होता है जिस प्रजाति का, उसी तरीके का ही उसमें से उसी के बच्चे निकलते हैं। तो अंडे से जिनका जन्म होता है उसको हम अंडस कहते हैं। तो हमारा जो है ये अंडस तक ही आएगा, ठीक है। आगे है, आगे ये व्याकरण में जो भी आपके मुहावरे, सामान्य अशुद्धियां, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉपी में करेंगे, मैं बताऊंगी आपको और उसको पढ़ करके भी बताऊंगी, ठीक है। तो आपने अपनी कॉपी निकालनी है और उसको बहुत ही नीट और सुंदर हैंडराइटिंग में उसको कॉपी में करना है और बाद में उसको याद करना है। धन्यवाद।